नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रवीण ब्लॉग्स पर। और आज हम आपको ले चल रहे हैं चाइना की बीजिंग जू में। वीडियो के साथ मेट्रो से जा रहे हैं और ये हम आ गए हैं बीजिंग जू। और यहाँ हमने टिकट ले लिया है, टिकट लिया 19 RMB का जो एंट्रेंस टिकट है। और इसके बाद हम इसको लेकर अंदर जाएंगे। अंदर जाकर हम टिकट, एक और टिकट, दो तरह का और टिकट है अंदर। एक एक्वेरियम का है 150-160 RMB के आसपास होगा, और एक और टिकट है वो है पांडा का। ये है मैप, मैप को फॉलो करके हम जाएंगे। तो पहले हम जाते हैं पांडा का देखने, द ग्रेट जायंट पांडा, जिसके लिए फेमस है बीजिंग जू। पहले वो देखते हैं, उसके बाद हम जाएंगे बाकी दूसरे एनिमल्स को देखने के लिए। तो उसके लिए हमें टिकट लेना होगा एक 5 RMB का। तो हम जाते हैं और देखते हैं। तो ये लाइन लगी हुई है यहाँ पे, लाइन में लगना है। और ये टिकट काउंटर, ये टिकट है यहाँ पे, यहाँ पे टिकट दिखाना है हमें और इन करना है। अब हम अंदर चलते हैं। यहाँ पे कोई जानवर है, एक वुल्फ की तरह दिख रहा है। तो मैं पूछता हूँ किसी चाइनीज से, शायद मुझे लगता है क्या है ये जानवर तो नहीं दिखने मिलेगा क्योंकि गर्मी बहुत है और सब जानवर छिपे हुए अंदर दिख रहे हैं। नी हाओ, व्हाट इज दिस? दिस इज मिंजर समा उली। ये एक एक जानवर है उली, चाइनीज में बोल रहे हैं उली है। मुझे तो पता नहीं इसका इंग्लिश नेम क्या है, और इवन मुझे पता भी, ये भी पता नहीं कि ये क्या है। मे बी उल्फ लाइक कुछ दिख रहा है। तो अब हम आगे चलते हैं, अभी गर्मी बहुत है। तो आगे चल के देखते हैं कि जायंट पांडा कहाँ पे है। जायंट पांडा देखने की कोशिश, गर्मी बहुत है इसलिए ये आप दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक जायंट पांडा दिखा हमें, एक दूसरा। ये है जायंट पांडा जिसके लिए बीजिंग जू फेमस है। बैक साइड में था जायंट पांडा का, तो मुझे दो पांडा दिखा और एक तो बस गर्मी से मर रहा था और दूसरा छोटा था, वो जॉइंट नहीं था। पर इट्स ओके, दो पांडा दिखा 5 RMB में। लेट्स सी नेक्स्ट, देखते हैं और क्या है और आगे देखते हैं और क्या है। एग्जिट कर लेते हैं यहाँ से पहले, यहाँ तो और कुछ दिखने वाला नहीं। जॉइंट पांडा देखने के लिए स्पेशली आया था इसके अंदर, पर यहाँ पे दो ही है। तो अब हम आगे चलते हैं। और एक्चुअली आपको बीजिंग जू के बारे में भी कुछ बताऊं, ये सिटुएटेड है जगह, जो लोकेशन है यहाँ पे, ये यहाँ पे एंट्रेंस गेट है। एंट्रेंस गेट से हम निकल रहे हैं, जाएंगे, इनको हकीकत पता चलेगा कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, दो दो पांडा पड़े हुए। तो ये मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में अभी, ये कहाँ पे लोकेटेड है। ये जगह का नाम है शीछांग कहते हैं इसको, शीछांग डिस्ट्रिक्ट है बीजिंग का, वहाँ पे है ये जू। और इसका इसमें ऐसे तो मैं जब लोगों से बात करी थी तो उन लोगों ने बताया था कि यहाँ पे अराउंड 5000 एनिमल्स हैं और ये बहुत बड़ा जू है। पर मैं जब गया तो अंदर देखा तो मुझे इतना कुछ दिखा नहीं। तो ये देखिए, एलिफेंट है, इंडियन एलिफेंट, जो इंडियन ही होगा, ये एशियन एलिफेंट ही है ये। तो उसके बाद लोगों ने बताया कि ये फेमस है ग्रेट जायंट पांडा के लिए। तो हमने पांडा का टिकट लिया, हमें पांडा देखने गए, तो हमें दो पांडा हमें दिखा। तो अभी है इसके बारे में बताता हूँ, ये कब, ये स्कूल स्टूडेंट्स है, स्कूल स्टूडेंट्स आए हुए हैं स्कूल से, जो लेके जाते हैं टूर पे, तो उस तरह से स्टूडेंट्स है। अब बताता हूँ जू, बीजिंग जू का कब बिल्ड किया गया था। इसको बिल्ड किया गया था 1989 में, और लोग बताते हैं कि ये 2.5 acres का लैंड है जिसके अंदर ही बीजिंग जू को बनाया गया है, अराउंड 10,000 square meters। अब ये देखिए, एक वन हॉर्न राइनोसेरस, ये मैं इसको देख रहा था बहुत देर से, इसका वीडियो बना रहा था मैं, इसको देखा तो ये एक ही जगह पे टर्न, इसी सर्कल पे ऐसे ऐसे घूम रहा था।
शायद पानी, इसको पानी चाहिए और वहाँ पे पानी सूख चुका है। मे बी ये रीज़न हो सकता है या कुछ और हो सकता है, पर वो यहीं पे बहुत देर से घूम रहा था इस तरह से। तो जहाँ ये जू के अंदर, इस जू के अंदर एक और फेमस चीज़ है, बहुत बड़ा एक हॉल है, उसे गोरिल्ला हॉल कहते हैं। वो भी बनाया गया था, वो बनाया गया था 2 साल पहले, ये जू बनाने का 2 साल पहले बनाया गया था गोरिल्ला हॉल को, 1987 में उसको बिल्ड किया गया था। और उसके अंदर बीजिंग एक्वेरियम है, एक्वेरियम का अलग से टिकट लेना पड़ता है, अराउंड 150 RMB, 150 या 160 होगा, वो आपका 1500 रुपये के आसपास इंडियन करेंसी, 1500 नहीं, एक 1800 रुपये हो सकता है, उसके आसपास होगा। तो ये है, और मैं आपको बताऊँ, ये तो रैना है, ये टू हॉर्न रैना है शायद, मे बी टू हॉर्न हो। और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जब जाएंगे आप बीजिंग जू, रेलवे स्टेशन से आपको मेट्रो लेना है, मेट्रो लेना सबवे बहुत बेटर होगा लेने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे कुछ लोग, यहाँ पे एक थोड़ा रिलैक्स चेयर लगी हुई थी इधर, तो मैं बैठा हुआ था, तो यहाँ पे चाइनीज़ लोग आए कुछ, उन लोगों ने बोला कि एक फ़ोटो लेते हैं, फैमिली फ़ोटो, ग्रुप फ़ोटो लेते हैं, तो मैं बोला ओके, तो उन लोगों ने फ़ोटो लिया, फिर वहाँ से गए। 12 बजे आया था मैं, और अभी 3 बज रहा है, और सब कुछ देख लिया। एक एक्वेरियम, जो एक्वेरियम इनका बना है, एक्वेरियम पार्क, वो उसमें नहीं गया, उसका अलग से टिकट है। ये तो 19 RMB जो टिकट इनका लिया है, 190 रुपीज़, वो तो नॉर्मल टिकट है, नॉर्मल टिकट आई में, दैट मीन्स आप उसमें बस इन कर सकते हैं। उसके बाद आपको पांडा के लिए एक स्पेशल टिकट लेना है 5 RMB का, और सेकेंडली आपको लेना है एक्वेरियम के लिए अलग टिकट लेना है 160 RMB का। अगर आप इसको उधर उधर थोड़ा कोल होगा, इसलिए उधर वो सब सारे जेब्रा एक ही जगह वहाँ पे। ये है जेब्रा, जेब्रास का यहाँ पे बहुत सारे। तो मैं आपको बता रहा था जाना कैसे बीजिंग जू से, आप रेलवे स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से आपको बेटर है कि आप सबवे पकड़ें, और सबवे को, सबवे पकड़ के आप डायरेक्टली जा सकते हैं ये बीजिंग जू। तो कौन सा लाइन पकड़ना है, लाइन नंबर आपको 4 पकड़ना है, एक्सपीरियंस लाइन नंबर 4 पकड़ना है, और उसको आपको उतरना है, एग्जिट करना है डोंग वू यान, डोंग वू यान जगह का नाम है, चाइना का कैपिटल है, तो कैपिटल सिटी है, तो मैं सोचा था बड़ा होगा, पर इतना ऐसा कुछ खास नहीं है। बर्मिस पाइथन, बर्मा का पाइथन है, बहुत गर्मी के कारण। ये एक्वेरियम्स, एक्वेरियम है, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स है, लाइक स्नैक्स हो गया, टॉर्टोइस हो गया, जो भी एम्फीबियंस है सब यहाँ पे है। तो इस तरह से सारे वाटर एनिमल्स एक्वेरियम ही है, बहुत बड़ा। तो यहाँ मैं बता रहा था आपको कि जाना है कैसे, सबवे लाइन नंबर 4 आपको पकड़ना है बीजिंग रेलवे स्टेशन से, और वहाँ से आपको एग्ज़िट करना है डोंग वू यान, जगह का नाम है, वहाँ पे आपको एग्ज़िट करना है। तो एग्ज़िट करने के बाद आपको, जब वहाँ पे आप एग्ज़िट करेंगे मेट्रो स्टेशन, तो आप एग्ज़िट नंबर, गेट नंबर 20 से आप एग्ज़िट करें, तो आपको नज़दीक होगा जाने के लिए, जू जाने के लिए। बस भी ले सकते हैं, बहुत सारे बस जाते हैं वहाँ से, उधर से वहाँ के बस स्टेशन से आपको मिल जाएगा, बस नंबर 27, 87, 105, 107, 111, 332, 347, 36, इस तरह से बहुत सारे बस जाते हैं। लेकिन बेटर होगा कि आप सबवे पकड़ें, सबवे पकड़ के आप जाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से, इजीली आप पहुँच पाएंगे वहाँ पे। तो अब मैं टाइमिंग के बारे में आपको बता दूँ, टाइमिंग है यहाँ पे 10 to 16, 10 बजे से खुलती है, और 4 बजे तक आपको यहाँ पे रहेगी, खुली रहेगी। और टिकट्स तो मैंने आपको बता ही दिया पहले, टिकट्स 15 RMB ऐसे लोग बता रहे थे, पर मुझसे 19 RMB लिया गया, और प्लस 5 RMB पांडा का। अगर आप बीजिंग एक्वेरियम देखना चाहते तो 150 to 160 RMB रहेगा आपका टिकट। अगर आप नवंबर टू मार्च के बीच में जाते हैं तब आपका रेट और कम रहेगा, अराउंड 10 to 14 RMB रहेगा टिकट्स का रेट, पर वो बीजिंग एक्वेरियम का रेट वही रहेगा शायद 150 RMB।
सा बैकग्राउंड है टॉर्टोइस, बहुत सारे स्नैक्स टॉर्टोइस क्रोकोडाइल, इस तरह से हैं सब सारे टॉर्टोइस। तो ये है इसको 1889 में बुल किया गया था और 1989 में बुल किया गया था और 1999 में एक साल बाद इसको कंप्लीट करने के बाद खोल दिया गया था पब्लिक के लिए। गर्मी है इसलिए सब सारे एनिमल्स बहुत ही टायर्ड साइड फील करके यहाँ पे सब पड़े हुए हैं। तो यही है चाइना का जू का, बीजिंग जू का पूरा सीन। कोई खास नहीं है पर ठीक है, टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छा जगह है, और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाके भी कर सकते हैं। मोस्टली एनिमल्स मैंने दिखा दिया है इस वीडियो में, कुछ वीडियोस कुछ क्लिप्स मेरे डिलीट हो गए थे तो वो मैं ऐड नहीं कर पाया, लेकिन मोस्टली यहाँ पे जितने एनिमल्स मैंने देखा है मैंने यहाँ पे आपको ऐड करके आपको शो कर दिया है। इसका एक प्रोग्राम भी करते हैं वहाँ पर अंदर वो पेंगुइन से, ये सब है मॉन्की से। अच्छा एक बात है यहाँ पे देखो, आप अंदर में बहुत ग्रीनरी नहीं है ना ज़्यादा, जैसे इंडिया के जूस में ग्रीनरी होती है बहुत, या घास वास देखे रखते हैं, लीव्स देखे रखते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं देखने को मिला। तो इनका टाइमिंग होगा शायद बंद होने के बाद, गेट बंद करने के बाद, जो 4 बजे गेट बंद कर उसके बाद खाना देते होंगे, या मॉर्निंग में सुबह में देते होंगे 10 बजे से पहले, इस तरह से फिर बाद में साफ़ सफाई कर देते होंगे। तो ऐसा है बर्ड्स हैं। हमने पूरा जू घूम लिया, 12 बजे एंटर किए थे और अभी 5:30 आपको तक पूरा जू घूम के कंप्लीट किया, वो आपको 20 आई में लेती है। एक्स्ट्रा दो टिकट थे, एक एक्वेरियम का था और एक पांडा का था। हमने पांडा का लिया, एक्वेरियम हमने नहीं लिया। 160 आरएमबी का था, एक को 1600 रुपये की अलग से टिकट थी, और जू का टिकट अलग से 19 आरएमबी का और पांडा का 5 आरएमबी का था। सो यही है बेजिंग जू। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।